subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. Hi my lovely stars and angels, welcome to Adda 24/7, government job in your pocket. कैसे हो friends आप सभी? सुबह के 5 बज चुके हैं और आपका vocabulary developer आपके सामने आ गया है क्या? Peculiar idioms और phrases को लेकर. पहला word है हमारा on easy street. Guys, easy street का मतलब क्या होता है? आसान रास्ता नहीं होता. Easy street का मतलब होता है to have a comfortable condition in life. तो इसका meaning क्या होता है? Always have a comfortable condition in life. जब किसी आदमी की condition अच्छी होती है, बढ़िया होती है, ये बोल सकते हैं, he is on easy street. After they won a lottery, they have been on easy street. इस तरह से आप इसको use कर सकते हैं. जब उन्होंने लॉटरी जीता, लॉटरी जीतने के बाद क्या होता है? आदमी ऐसे पैसे उड़ाता है. तो इस तरह से उनकी जो लाइफ थी वो क्या हो गई? इजी स्ट्रीट बन गई. तो आई होप आपको ये idiom पसंद आया होगा. अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से एक लाइक कर दीजिए. आज का हमारा दूसरा जो peculiar idiom और phrases है वो क्या है हमारा? वो है ए बिजी बॉडी. बॉडी आपको पता है, बिजी आपको पता है. जब मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया तो क्या बन गया? बिजी बॉडी. बिजी बॉडी बन गया वो इंसान जो दूसरों के अफेयर में ज्यादा इंटरेस्ट रखता है. जरा एक बार मीनिंग देखेंगे. वन हु शोज टू मच इंटरेस्ट इन अदर्स अफेयर्स. क्या इतना नहीं करना चाहिए? कहीं होते नहीं है. क्या कर रहा है, क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, ऐसे ऐसे इंसान को बोल सकते हैं, ही इज अ बिजी बॉडी, शी इज अ बिजी बॉडी. रितु इज अ बिजी बॉडी, शी वॉन्ट्स टू नो एवरीथिंग हैपनिंग अराउंड हर. इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हैं, है ना. कैमरा लेके और दूसरे क्या कर रहे हैं उनमें ज्यादा इंटरेस्ट लेना, ये एक बिजी बॉडी का काम होता है. तो ये दो बहुत ही छोटे, बहुत ही खूबसूरत से वर्ड आपके थे जो मैंने आपके सामने रखे. तो गाइज, आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताइए. कमेंट में आप ये दोनों के आंसर लिख सकते हैं ताकि आपको याद भी हो जाएगा. आप अपनी एक कॉपी बना लीजिए, उस कॉपी में आप ये मीनिंग लिख सकते हैं और जितना हो सके इसको शेयर कर सकते हैं. वी वॉन्ट टू इन्फ्यूज इंग्लिश लैंग्वेज इन द ब्लड ऑफ इंडिया. दिस इज माई एम एंड दिस मस्ट बी योर एम टू. तो गाइज, मिलते हैं आज 4 बजे और फिर 10:30 पे और फिर 11 PM पे अपने कुछ और ग्रामर के और वोकैब के सेशन के साथ. तब तक के लिए थैंक यू सो मच. जय हिंद.